के टीबी बढ़ गई तो लेनी सदर हॉस्पिटल में दिखावे के तो ये लोग हमरा के तीन नंबर में कहनी है दिखावे तो ये लोग भेज दिल लोग महावीर टोला क्या भेजल हल्को फ्री के इलाज हो जा प्राइवेट क्लिनिक में भेज दिया है। हाँ। कौन भेजा है ये आपको? हमको पता नहीं है, तीन नंबर वार्ड में दिए हैं। डॉक्टर दिए हैं। हाँ। आप चले जाइए प्राइवेट में दिखवाइए। अच्छा तो इसका कंप्लेन आपकी है? हाँ, कंप्लेन करने आए। किसके पास कंप्लेन की? सर के पास, सिविल सर्जन सर के पास। क्या बोले हैं आप? बोले हैं कि जाइए मैनेजर मैनेजर भी बोला मैंने क्या बोले हैं कि सदर अस्पताल में ट्रीटमेंट होगा ना, ये आपको बाहर भेज रहे थे, मैंने दलाल जो बैठे थे। हाँ, हाँ। मैंने ओपीडी में आप दिखवाई हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रंजू देवी, मालिक के नाम भोला ठाकुर। कहाँ घर है आपका? चल फिर नहीं हो रहा, उसको बढ़ाया वाला गेट पर बैठा है। नहीं तो वो मतलब यहाँ दिखाने के लिए लगे। हाँ। हाँ, तो क्या हुआ? एडमिट करने के लिए। हाँ, तो क्या हुआ? कई लोग भेजे थे प्राइवेट में। कौन? ये तीन नंबर के डॉक्टर। ये कौन दिया आपको? आपको सर पता नहीं थी। मतलब वहाँ पे कौन दिया? कोई दो आदमी बैठे रहे थे, एक आदमी दे लो जो देख रहे थे वो। क्या बोला है लोग कि प्राइवेट में दिखाइए? हाँ। देखें, दिखाइए इसको। अच्छा तो फिर यहाँ पे जाने के लिए बोला? तो आप क्या किए? हम आए यहाँ पे। क्या खबर मिला, क्या पता बात हुई? खबर मिला है कि इमरजेंसी पीछे वाला में दिखाइए। इमरजेंसी में दिखाइए? अभी आप इमरजेंसी में जाएंगे? क्या नाम है आपका? रंजू देव। ये आपके लड़के हैं? छोट लड़का। क्या नाम है बाबू आपके पापा का? पापा का नाम भोला ठाकुर है। भोला ठाकुर। गांव? नाइट। सदर अस्पताल के ओपीडी में जो मरीज दिखाने के लिए आ रहे हैं उन्हें प्राइवेट क्लिनिक में भेजा जा रहा है दलालों के द्वारा, वहां डॉक्टर के साथ जो बैठे दलाल हैं उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं सदर अस्पताल में कुव्यवस्था फैली हुई है, जहां लोग सरकारी अस्पताल में सरकारी खर्चे पे इलाज कराने आते हैं उन्हें निजी अस्पताल में भेजा जा रहा है। क्या कहेंगे? हमको तो आप ही के माध्यम से मालूम हुआ है अभी, इसके पहले तो हमें अभी तक कोई नहीं बताया था कि इस तरह का है। तो हॉस्पिटल मैनेजर और उपाधीक्षक को अभी हम तहकीकात करते हैं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, अगर हो रहा है तो गलत। तो वैसे लोगों पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? चूंकि सर जो परिजन है वो आपसे मिले हैं, इस बात को अभी जस्ट आपके सामने भी रखे हैं, तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी? जो उचित होगा किया